बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ज़ैम आमना खान स्तासु होस्ट और ज़म द प्रोग्राम नुम दे हेल्थ सेगमेंट जंद के तास्ता हर कले वे माम सरा डॉक्टर अफशा खान मौजूद द पदे प्रोग्राम की कम चिप 21 साल ना चिदे प अफशा मेडिकल सेंटर की खपल प्रैक्टिस से यो और उनका बरागे ना क्वेश्चन को चिदा चा माशुमान ने की गी अगी तसा मसले मसाइल हुई और चिदा चा हमल हुई आगे किस मसले मसाइल हुई अगे ना बदागा शांदे नोर क्वेश्चन को हुआ उम्मीद लरम चि तास्ब हम सरा द प्रोग्राम गोरी और तस्तो डेर ज्यादा मालूम हासिल की गी नो जी जो पखपल प्रोग्राम की चिदे डॉक्टर अफशा खान ता हर कले वेमा अस्सलाम वालेकुम मैम कैसी हैं आप ठीक ठाक आप कैसी हैं अल्लाह का शुक्र है अमना आपकी सेहत ठीक है अल्लाह का शुक्र है मैम आप कैसी हैं आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके आज बहुत अच्छा और आपके साथ तो ज्यादा अच्छा और मुझे लग तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने आपकी इतनी तारीफ सुनी है यानी कि अफशा मेडिकल सेंटर के बारे में और आज आपसे फेस टू फेस मेरी मुलाकात हो रही है तो ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है और काफी लोगों से आपकी बड़ी तारीफ सुनी है और आपको तो लोग बहुत सारी दुआएं भी देती है जो बेऔलाद लोग होते हैं और आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई तो मैम हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं आपसे मैंने क्वेश्चन करना था कि मर्दों में जो बच्चों की पैदाइश की सलाहियत की कमी होती है उसकी वजह क्या होती है उसमें यह है कि हमारे जो एजोस्पर्मिया के पेशेंट होते हैं मेल्स में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये बाय बर्थ भी होती हैं कुछ और कुछ ये जो बाय बर्थ होती हैं वो 5% लोगों में होती हैं ठीक है और 95 जो मेल्स में प्रॉब्लम्स अगर कोई आती हैं तो वो 16-17 साल की उम्र में जैसे मम्स आ जाते हैं टाइफाइड का इशू होता है तो उसमें ये होता है कि हमारे टेस्टिकल्स में इन्फेक्शंस आ जाते हैं मेल्स के तो जिसकी वजह से स्पर्म्स काउंट हमारे कम होना शुरू हो जाते हैं मेल्स के स्पेशली तो उसमें यह है कि जब आप अपना ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हो तो वो ट्रीटेबल है अगर आपको किसी एज में टाइफाइड आया है या मम्स आए हैं और ट्यूब सम टाइम ये ब्लॉकेज आपकी वेंस ब्लॉकेज की वजह से भी होता है इशू तो उनको देख टेस्ट करवाने पड़ते हैं कुछ हार्मोनल प्रोफाइल्स हस्बैंड्स वगैरह की तो फिर हम उन टेस्ट के मुताबिक आपको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है आपकी और देन हम आगे ट्रीटमेंट अगर करते हैं तो कितना अरसा लगता है या क्या आपको चाहिए दवाइयों की ज़रूरत है अच्छा अच्छा मैम यानी कि ये इतनी वो नहीं इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है कि लाइलाज नहीं है इसका इलाज हो सकता है बिल्कुल ये जो हाइप्स क्रिएट हुई हुई हैं कि भी ये बांझपन काबिल इलाज नहीं है या मर्द कभी ठीक नहीं हो सकता ये वो तो ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है और सबसे बड़ी गलत कॉन्सेप्ट ये है कि मेल्स शाई करते हैं वो शर्माते हैं जो होते हैं जो अपने टेस्ट नहीं करवाते हाँ टेस्ट नहीं करवाते शाई करते हैं कि वो समझते हैं कि शायद हमारी ईगो हर्ट होगी तो ऐसी कोई बात नहीं जिस तरह हेपेटाइटिस सी होता है जिस तरह शुगर होता है जिस तरह ब्लड प्रेशर के इश्यूज होते हैं इसी तरह एजोस्पर्मिया के भी इश्यूज होते हैं जो कि ट्रीटेबल हैं आप अच्छे डॉक्टर के पास कंसल्ट करें हमारे पास आएँ तो आपकी हेल्प करेंगे आप ठीक हो जाएंगे देखें एक चीज़ 5% है उसको 5 से 10 10 से 20 25 50 पे किया जा सकता है अब एक चीज़ आप अवॉइड कर कर के उसको बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे ले जाते हैं तो फिर उसको कैसे ट्रीट किया जाए दूसरी बात ये कि कुछ अरसे कुछ टाइम में हम जैसे 35 एज है 40 एज है हमारी प्रॉब्लम 50 तक सॉल्व हो सकती हैं लेकिन जब हमारी एज डे बाई डे बढ़ती है तो हमारे साथ अदर्स प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं जैसे शुगर है ब्लड प्रेशर है हार्ट का इशू है और दूसरी बात ये कुछ मेल्स नशा वगैरह भी करते हैं जैसे स्मोकिंग है जैसे ये वो तो ये भी बड़ी वजह है एजोस्पर्मिया की या स्पर्म्स कम होने अच्छा। की सही सही मैम ये तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे भी आज पहली दफ़ा मिली जो बहन भाई हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं सॉरी मैं थोड़ा सा पुश्तों में गाइड करना चाहूँगी क्योंकि हमारे बहुत सारे बहन भाई हैं जो पठान हैं उनको इन चीज़ों का नहीं पता तो जता उस तवेल गुआना मैं चिकम कसानों के सड़ों की चिकम कमी भी करना द माशुमान पैदा को लुप दारे अगे मसलों ना चिदे कम कसान चिदा टेस्टू ना कही दखा जो टेस्टू ना कही सड़ो टेस्टू ना कही पागे कि बिल्कुल न शर्मीगी मैडम ची सिंगो वेले चिदा टेस्टू ना सरा चिदे दे इलाज के देश ही तो सॉरी आपको तो समझ नहीं आ रही होगी मगर हमारे पठान बहन भाई थोड़ी सी आ रही है मेरा दूसरा क्वेश्चन मैम आपसे है कि खवातीन में अक्सर जो है ना ये ट्यूब ब्लॉकेज की वजह होती है जी जी तो ये इसकी क्या वजह है यानी कि ट्यूब क्यों ब्लॉक होती है अगर ट्यूब ब्लॉक होती है तो उसका इलाज पॉसिबल है कि है या नहीं है अच्छा इसमें आमना ऐसा होता है कि ट्यूब ब्लॉकेज के जो हमारे पास पेशेंट आते हैं ना मेरे पास जो पेशेंट एवरेज है वो तकरीबन मेल में 60% प्रॉब्लम्स आ रही अच्छा, हैं जो कंसीव नहीं कर सक रही औरतें ठीक है और 40% खवातीन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं लेकिन जब हम उन 40% खवातीन को जब ट्रीट
टेस्ट करना शुरू करते हैं, ट्रीटमेंट होना शुरू होती है, तो उनके जब टेस्ट होते हैं उनकी जो भी हिस्ट्री ली जाती है, तो उसमें जो ट्यूब ब्लॉकेज का इशू आ रहा है वो 2% आ टू रहा है। परसेंट ट्यूब ब्लॉकेज इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर है भी तो वन ट्यूब आपकी ठीक होती है और वन ट्यूब ब्लॉक होती है। तो जिस अल्लाह ताला एक आंख से आपको दिखा सकता है, एक गुर्दे पे आप सरवाइव कर सकते हैं, इसी तरह एक ट्यूब पे भी आपकी कंसेप्शन हो सकती है। ठीक हो मैम, गया। आपसे क्वेश्चन ये करना था कि जिनकी ट्यूब ब्लॉक हो तो उनको ये मींस कंसीव करने में फिर इशू होता है, कंसीव करने में इशू इशू होता होता है। है, या उनका एगोविलेशन सुस्त हो जाता है, एगोविलेशन प्री मच्योर हो जाता है, अंडा नहीं बन रहा होता औरतों का, तो उसके लिए ट्यूब ब्लॉकेज का इलाज भी है। लेकिन अगर इलाज हम उस सूरत में करते हैं कि जब आपके एगोविलेशन अच्छे हो रहे होते हैं, हार्मोन्स ठीक आते हैं, तो फिर मैं उनका ट्रीटमेंट करती हूँ। लेकिन ये काबिले इलाज है, कोई परेशानी यानी की इसमें बात कोई नहीं, परेशानी है। अगर आपका परेशानी एक ट्यूब ब्लॉक है, दूसरा ओपन है, तो उसमें भी आप कंसीव आप कर कर सकते हैं, सकते यानी हैं, इतनी लेकिन परेशानी हम की बात नहीं इतनी है। परेशानी की बात नहीं है। स्ट्रेस में लेडीज़ ज़्यादा चली स्ट्रेस में, जाती हैं, तो जिसकी वजह से हमारा हार्मोनल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से फिर हमारी मौजूदा जो सूरत हाल होती है वो भी थोड़ी डाउन होना अच्छा शुरू हो मैम, मैंने जाती है। अक्सर सुना हुआ है कि औरतों में ना ज़्यादातर रसौली की अलामत ज़्यादा पैदा होती हैं, यानी कि ज़्यादातर कंप्लेन होती है कि जी रसौली होगी। ये रसौली किस वजह से होती है और इसका इलाज कैसे पॉसिबल है? 90% खावतीन जो हमारे पास आती हैं उनको पॉलिकल सिस्टल ओवरीज होती हैं। अगर एशियन खावतीन में अगर रिसर्च की जाए तो हमारे जो है 90 जो तकरीबन 100 खावतीन अगर खड़ी की जाएँ तो उनमें से 5% या 4 to 40% ऐसी खवातीन हैं जिनको सिस्ट है, और सिस्ट अगर फाइब्रॉइड्स हैं तो वो तो ट्रीटेबल नहीं है, उनको ऑपरेट ही करवाना पड़ता है। लेकिन फाइब्रॉइड्स में भी किस्में हैं कि भी वो किस नौयत की है और किस जगह पर है, किस मकाम पर है, कि वो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं कर रही, आपके कंसेप्शन में हर्डल नहीं डाल रही, तो ठीक है, इट्स ओके, चलने दें आप उसको। बट ये है कि अगर आपको सिस्ट है, पानी की थैलियाँ हैं जिन्हें रसोली भी आप कहते हैं, और बबल्स होते हैं, पॉलिकल सिस्टल ओवरीज कहते हैं उनको, तो वो पानी की एक बबल टाइप अंगूर के गुच्छे की तरह होती हैं, तो वो ट्रीटेबल हैं, वो ट्रीटेबल है, मेडिसिन से ख़त्म हो जाती खत्म हैं, हो जाए, ठीक उसके है, लिए कोई ऑपरेशन नहीं और करना कोई पड़ता। ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। और दूसरी बात ये, उनके लिए कोई परेशान भी नहीं होने की ज़रूरत, वो परेशानी प्रेगनेंसी में भी नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये है कि आप चेकअप ज़रूर करवाएं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे क्लिनिक पे विज़िट करें, एक दफ़ा ज़रूर आपको आना ناظرین पड़ेगा। زتاست یو خبر کول غواړم زم څنګه چې ډاکټر صاحب ویل کنه خزو کې اکثر چې د رسولې پرابلم وی اغه دوه نه یری کې چې اغه ډاکټرانو ته نه چې مال به اپریشن وکي، خو میډم وی چې اغه چې د اپریشن داغه علاج نه دی، اغه دوایانو سره هم ټکی گئی ہو۔ मैं यही बता रही हूँ नाज़रीन को कि वो हमारी अक्सर पठानें होती है ना कि वो जी कहती हैं जी हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे, रसोली होगी, ये हमारा ऑपरेशन होगा, तो जैसे आप वो बता रही स्ट्रेस ले लेती स्ट्रेस हैं, वो ले कहती लेती हैं अब ऑपरेशन होगा तो पता नहीं क्या हमारे अंदर नुक्स बैठ जाएगा ये वो, तो ऑपरेशन की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा मैम, एक और आपसे क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन किस वजह से होती है? इन्फेक्शन होने की देखें ESR बढ़ जाता है कुछ खवातीन का, वो चेकअप नहीं करवाती अपने आप को, जैसे खवातीन में अक्सर प्रॉब्लम है कि वाइट डिस्चार्ज का, लकोरिया का, ठीक है, तो वो लकोरिया 90% खवातीन तो इतना लाइट लेती हैं कि लकोरिया तो कोई इशू नहीं है। बेसिकली यूट्रस वर्क नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज आपको हर वक्त हो रहा होता है, तो उसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है, और वही इन्फेक्शन की रीज़न है। उसके साथ ही आपके हस्बैंड को भी इन्फेक्शन हो सकता है, और यही सबसे बड़ी बात, आपके ओव्यूलेशन नहीं हो रहे होते, ट्यूब ब्लॉकेज में भी वाइट डिस्चार्ज, इतनी बारीक सी ट्यूब्स होती हैं कि ये अगर ये हो तो आपकी प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम्स जी होती हैं। बिल्कुल सही कह रही हूँ मैम, आपसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ली, आपके साथ गपशप रहेगी। तो छोटी सी इंशाल्लाह ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर इंशाल्लाह मिलते नाजिन हैं। जो और कोटे उनते दमाख लो दमे नपस भी आमगा खपल प्रोग्राम तराजू। वेलकम बैक नाजरीन, तस तबिया योजल पखपल प्रोग्राम के हर कले वह डॉक्टर अफशा खान सर मौजूद दा कम कसान शिदीना अपॉइंटमेंट अखली नो दागे नंबर चिदे जम बस स्क्रीन बानी चली गई और जम तासु तवे नंबर दे 03-11-222-2010 अफशा मेडिकल सेंटर नेशनल मार्केट सैटेलाइट टाउन मरावल पिंडी।
تاسو چې دینه اپوائنټمنٹ واخلی او د سره ملاو شي نو دا چې تاسو ته سمسله مسائل دی او به تاسو ته دا وایي دا علاج به کیږي جی میم کیسی ہیں آپ دوبارہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں تھینک یو آپ سے بہت اچھا گپ شپ لگ رہی تھی میم آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا کچھ بتائیں گی پھر آپ سے اگلے کوشچن کرتی ہوں میں اچھا میں بس یہی بتاؤں گی کہ میں نے بیسیکلی جو ایجوکیشن لی وہ پاکستان سے لی اور پھر میں کچھ کورسز کرنے باہر بھی چلی گئی اور اس کے علاوہ جو ہے 21 سال سے میں افشا میڈیکل سینٹر پہ پریکٹس کر رہی ہوں اور میرے پاس وہی لوگ آتے ہیں جو انفرٹائلز کپل ہیں یا جن کو عورتوں میں کوئی یوٹرس ایشوز ہیں یا بچے کنسیو کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے یا میلز میں کوئی ایشو ہے میلز ایزوسپرمیا کے پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں یا پھر وہ لوگ آتے ہیں جن کی 3 بیٹیاں ہیں 4 بیٹی ہیں اور بیٹے کے لیے ان کی وش ہوتی ہے میں سب لوگوں کو یہی بتانا چاہوں گی کہ میں آپ کا نصیب آپ کا لک بدل نہیں سکتی لیکن ایک میڈیکلی جو ہیلپ کر سکتی ہوں وہ میں ضرور آپ کی کر سکتی ہوں باقی یہ ہے کہ پاسیبل ہے اس چیز کا ٹریٹمنٹ کہ میل بیبی آپ کنسیو کریں یا فیمیل بیبی آپ اچھا یعنی کہ جن لوگوں کے بیٹے نہ ہو رہے ہوں وہ بھی پاسیبل ہے یعنی کہ میڈیکل میں اس کا علاج ہو سکتا ہے ہاں جی بیفور پریگننسی کپل کو آنا پڑتا ہے میرے پاس ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں آتے ہیں اور پریگننسی کے پہلے آتے ہیں اور ان کے پھر ہم کچھ ہارمونس کے ٹیسٹ کرواتے ہیں وہ ٹیسٹ اگر ٹھیک آتے ہیں تو اس کے اکارڈنگ ہم ان کو میڈیسن دیتے ہیں اور پھر ہم ان کو کچھ خاص ٹائم دیتے ہیں تو خاص ٹائم میں جب اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے تو انشاءاللہ بیٹا ہوتا ہے اور سکسس ریٹ جو ہے میرا 98% ہے اس طرح تو آپ کو اتنی ساری دعائیں ملتی ہوں گی جن بہن بھائیوں کے یعنی کہ جن کے بیٹیاں ہوں اور خواہش ہو بیٹے کی تو آپ یعنی کہ کوشش ہوتی ہے ایک میڈیکل طور پر چھوٹی چھوٹی بچیاں آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے آپ سے بھائی لے کے جائے تو وہ ایک ہوتا ہے اور میرا یہ بھی ہوتا ہے کہ میں آپ ٹھیک ہوتی ہیں کوئی بھی پیشنٹ میرے سے ٹھیک ہوتا ہے وہ سب سے پہلے میرے لیے جو دعا کرتا ہے تو وہ خوشی کتنی بڑی ہوگی میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی آپ کے لیے کچھ بھی لاکھوں اور پے بھی رکھ دے لیکن وہ دعا جو دعا جو ہے کریڈٹ کوئی پورا نہیں کر سکتا آج ان کی دعاؤں سے ہی آپ اتنے اونچائی پہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے آپ کے ہاتھ میں شفا دی ہے کہ میں نے کافی جگہوں سے آپ کے بارے میں سنا ہے آج آپ سے فیس ٹو فیس ملاقات بھی ہو گئی ہے میرے لیے خوش قسمتی ہے اچھا میم آپ سے ایک کوشچن کرنا تھا جو لیڈیز کنسیو نہیں کر پاتی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کنسیو کرنے کی بہت ساری وجہ ہے پہلے بھی جیسے بتایا کہ رسولیوں کا ایشو وائٹ ڈسچارج ہونا جسے لکوریا عام زبان میں کہتے ہیں یا انفیکشن وغیرہ جن عورتوں کو ہوتی ہے یا پھر آپ کے ایگوویلیشن نہیں ہو رہے تھے ہو رہے ہوتے جو آپ کے پیریڈس ہیں وہ انریگولر ہو رہے ہوتے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اب یہ تو دیکھیں آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا میرے پاس کوئی بھی کپل آتا ہے تو ان کے سارے ٹیسٹ دیکھنے کے بعد پروفائل دیکھنے کے بعد ہی ہم ڈیسائڈ کرتے ہیں اور ان کو بھی بتاتے ہیں اکثر ڈاکٹر اپنے پیشنٹس کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے وہ پرسکرائب کر دیتے ہیں میڈیسن میں یہ نہیں کہتی کہ میں بہت اچھی ڈاکٹر ہوں کوئی ڈاکٹر اچھا نہیں ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن ایٹ لیسٹ پیشنٹ کو پتہ ہو کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے دین میں نے یہ علاج کرنا ہے یا یہ میرے لیے چیز بہتر ہے تو وہ تھوڑا سا مطمئن ہو جاتا ہے جی جی بالکل صحیح اچھا میم ایک اور کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اکثر جو ہے نا لیڈیز کو نا یورین انفیکشن کی بہت زیادہ کمپلین ہوتی ہے وہ وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لیڈیز جو ہے نا اپنی ڈائٹ کا تو بالکل خیال نہیں رکھتی ٹھیک ہے جو ٹھنڈا گرم ملا ہم نے کھا لیا جو سخت نرم ملا وہ بھی کھا لیا ٹھیک ہے مطلب اپنے پہ ہم نے بچت بھی کر لی اور اپنے پہ ہم نے سختی بھی کر لی ٹھیک ہے تو یہ جیسے پانی کی ایک انٹیک ہوتا ہے کہ آپ نے پانی زیادہ پینا ہے اپنی باڈی کو انرجی دینی ہے جوسز فروٹس وغیرہ پہ زیادہ رہنا ہے تو وہ خواتین زیادہ اس چیز کا شکار ہوتی ہیں یورین انفیکشن کا جن کو پانی سے تھوڑی دوری ہوتی ہے یعنی کم استعمال پانی کا یہ پانی نہ پینے سے ہی یو ٹی آئی کی بھی پرابلم ہو جاتی ہے اکثر یو ٹی آئی کی پرابلم ہوتی ہے آپ ازما لیں جب آپ کو یو ٹی آئی کی پرابلم ہو آپ 5-6 گلاس نیم گرم پانی اگر اوپر نیچے پئیں گھنٹے 2 گھنٹے میں تو آپ دیکھیں گے کہ اگلے 3-4 یہ تو میم گھر میں بیٹھ کے علاج ہو گیا کہ آپ یعنی کہ آپ بتا رہی ہیں اتنا اچھا مشورہ دے رہی ہیں تھوڑے سے ہم نا اسپیشل سردیوں میں تو ہمیں ویسے ہی نیچرلی پیاس نہیں لگتی لیکن گردوں کو تو نہیں پتا نا کہ بھائی سردی چل رہی ہے یا گرمی چل رہی ہے نہیں نہیں یہ بالکل صحیح دیکھیں آپ اتنا اچھا مشورہ دیا ہے جو کہ میرے میں خود بھی اس پہ اور نیم گرم پانی نیم گرم کوشش کریں کہ آپ گرم وارم واٹر لیں گی تو وہ آپ کو ویسے بھی ہیلدی رکھے گا
सही सही। अच्छा, अक्सर ये मैंने देखा है कि लोग जो है ना, ये यूटीआई और जो यूरिन इन्फेक्शन होती है, ये बाहर के टॉयलेट यूज़ करने से, ये हाँ टॉयलेट का बिल्कुल इन्फेक्शन। भी मैंने, अच्छा, इसके यूटीआई का इन्फेक्शन होने की सबसे बड़ी रीज़न ये है यही। कि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो किसी होटल में या किसी भी पेट्रोल पंप पे स्टे करती हैं खवातीन और वॉशरूम उनका, तो आपने नोट किया होगा कि जो उनकी टैंकीज़ वगैरह जी होती हैं जी जी जब जी वाटर जी जी सप्लाई सिस्टम होता है तो वो कभी सालों में साफ़ ही नहीं होती। साल साफ तो ही नहीं। हमेशा मैं औरतों को ये एडवाइस करती हूँ जो मेरे पास भी आती हैं, और वैसे भी मैं कहीं आर्टिकल्स वगैरह लिखती रहती हूँ तो उसमें बताती रहती हूँ कि आप हमेशा अपने साथ टिश्यू ज़रूर टिश्यूज फॉलो रखें, करें, सही सही। कि टिश्यू का इस्तेमाल कर लें, पानी ना इस्तेमाल टिश्यू का भी यूज़ करें, और जहाँ करें पे मीन्स यूज़ करें वहाँ पे पहले उसको क्लीन वो कर लें, थोड़ा वॉश सा कर लें। क्लीन कर लें, हाँ, और पानी में भी बहुत पानी ज़्यादा में भी होता वो है। बैक्टीरियाज होते हैं, जी जी धूप जी 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 ठंड जी में वो टैंकीज कभी साफ़ नहीं होती, तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो ये भी सामने ये रीजंस भी है आता कि हाँ है। सही। तो मैम, कुछ और अपने बारे में बताएं जो बहन भाई आपसे रابطہ करना चाहते हैं। कांटेक्ट आप हमारा स्क्रीन के नीचे लिखा जा रहा है, आप मैम को कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जिन बहन भाइयों को नहीं है पता, आज आप प्रोग्राम देखेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा। चल जाएगा, जी मैं बस यही आपके प्रोग्राम से तो फैल से बताऊंगी कि मेरे पास जो भी कपल आना चाहे वो मुझे अक्सर व्हाट्सएप पे या फोन मोबाइल पे फ़ोन आता है, जी डॉक्टर साहब हमें आप बता दें, दवाई बता दें ये वो, तो वो सेल्फ मेडिकेशन में आ जाते हैं। तो वो ऐसी कोई बात नहीं, आप बीमार भी हो सकते हैं, तो आप कोशिश करें फर्स्ट विज़िट अफशा मेडिकल सेंटर पे कर लें। आपका कोई भी प्रॉब्लम है, हमारा नंबर है 03-11-2222-2, ठीक है, 010, वैसे स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, आपको पता ही होगा। तो आप इन नंबर पर रब्ता कर लें, अपने वॉइस मैसेज छोड़ दें, उसके मुताबिक फिर मैं अगर आपको बुलाना चाहूँगी अपने ऑफिस तो मैं आपको अपने हॉस्पिटल में बुला लूँगी, और आपका अगर मैं ट्रीटमेंट कर, मेरी ये एक आदत है कि मैं अपने पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करने से पहले पूरी प्रोफाइल देखने के बाद अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं गारंटी के साथ शुरू सही। करती हूँ इलाज, और अगर मैं नहीं कर सकती तो मैं डे फर्स्ट ही अपने पेशेंट को मना कर देती हूँ कि सॉरी मैं आपका इलाज नहीं कर सकती, सही सही। बजाय कि मैं आपको चीट करके जी जी ले जी के जी सही चलती सही। रहूं, तो उससे बेहतर है कि मैं मतलब सॉरी बोल दूं डे फर्स्ट। और अगर हाँ मैं कर सकती हूँ तो पूरी ईमानदारी से, पूरी नेक नियति से, पूरी मेहनत के साथ फिर मैं अपने पेशेंट को फॉलो करती हूँ, पूरी उसकी हिस्ट्री लेती हूँ, उसके सारी चीज़ें जो देने के बाद उसको फॉलो अप में रखती हूँ, उसके बार बार गाय बगाय मैं उसके टेस्ट करवाती रहती हूँ ताकि उसको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मेरे साथ अटैच रहे और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो मेरे पास प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया है, ना कि प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए बढ़ाने आया। के लिए। नाजरीन सिंह चिता ठीक सो है, और ये कहना चिता मैम मैडम चिदे नंबर चली कि जम पर स्क्रीन बांध दिया तासु चिकल हम विजिट कभी न पहला विजिट चिदे करना तासु दीना अपॉइंटमेंट पाख ली और लाजमी फोन बांधे इलाज नशे के दे पहला विजिट चिदे तासु ददी दगता हॉस्पिटल त लाड़शी अलता की लाड़शी अलता न चिदे ददी तासु बस इलाज शुरू करियो। यानी कि इंशाल्लाह फर्स्ट जो आपका विजिट है वो फोन वो पे, यानी एक कि दफ़ा ट्रीटमेंट फोन ज़रूर, पे तो हो हाँ ही नहीं हो सकती ही है। नहीं जब सकता तक ना, आप पेशेंट को देखेंगे नहीं, उसका नहीं मायना नहीं करेंगे, तो करेंगे, आपको उसका मर्ज कैसे पता और आपके चलेगा। टेस्ट कर क्या टेस्ट करवाने हैं, टेस्ट या मस्ट होते हैं। ऑलरेडी जो आपके टेस्ट हैं वो आपके मुझे व्हाट्सएप करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको फिर फिज़िकली देखूंगी तो फिर मैं आपको हेल्प कर सकूंगी। जी नाजरीन सरा योर कोट उनते दमर दमी ना पसीदे ब्यामगा तस्ता प्रोग्राम मख के खायो। वेलकम बैक नाजरीन योज लिबिया तस्त पखपल प्रोग्राम के हर कले वायु। जी मैम, कैसी हैं, आपको कैसा लग रहा है हमारा प्रोग्राम, बहुत मज़ा आ रहा अच्छा, हाँ होगा जी बहुत अच्छा लग रहा है, कोई मेरे से इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन आपको ट्रांसफ़र हो रही है, लोग देख रहे हैं तो और किसी की लोगों की हेल्प हो दुआएं गई, आपको मिल रही हैं, दुआएं देखें। मिल रही हैं, स्पेशली वो मेल जो शाये करते हैं समझते नहीं हैं कि डॉक्टर के पास किसके पास जाएं, उन्हें समझ नहीं आ रही समझ नहीं होती आ है, रही होती है। तो वो जब मेरे पास आते हैं या आएंगे तो इसका अच्छा क्रेडिट। मैम, आपसे क्वेश्चन करना था, जो कि जो शुगर के मरीज होते हैं उनको जी कंसीव करने में कोई इश्यू होता है क्या? जी शुगर में अगर मेल्स में शुगर है और 40+ आपकी एज है तो उसमें यह है कि सम टाइम हमारे स्पर्म्स जो हैं वीक होना शुरू हो जाते हैं, और ये ट्रीटेबल है, ये कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन हाँ शुगर, देखें मैं एक बात कहती हूँ, शुगर होने के बाद आप एहतियात शुरू करते हैं
तो शुगर होने से पहले एहतियात कर लेना क्योंकि एक चीज हमारे ना, आप थोड़ा सा 10 से 15 साल पीछे चले जाएं तो हम रूटीन में मीठा थोड़ा कम लेते थे, जैसे चॉकलेट्स हैं, जैसे बेकरी आइटम्स हैं, ये वो, ये चीजें हमारी लाइफ में बड़ी कम होती थी। ठीक है, अब आजकल हम जैसे हम कहने को तो हम फौरन कह देते हैं पेशेंट को, मैं कहती हूँ जी आप एहतियात करें, वो कहते हैं जी हम तो मीठा सिर्फ एक कप चाय में लेते हैं। नहीं, आप देखें ना कि आप जैसे बेकरी आइटम्स लेते हैं उनमें भी मीठा जा रहा है, मिठाई ले रहे हैं उनमें भी मीठा जा रहा है, तो अदरवाइज तो ये चीज़ है कि आप नेचुरल मीठा लें। नेचुरल मीठे से मुराद ये कि फ्रूट्स पे आएँ, खजूर से मीठा अवेल करें, तो पहले ही थोड़ी एहतियात करें, क्योंकि हर उस बंदे को, बंदी को, औरत या मर्द कोई भी है, 30 साल के बाद किसी वक्त भी शुगर का अटैक हो सकता है, शुगर हो सकती है। तो हम बजाय के उस चीज़ का वेट करें कि शुगर होएगी हमें, तो उससे बेहतर है कि हम पहले ही उसके लिए एहतियात करें, शुगर छोड़ दें, मीठा छोड़ दें, बेकरी आइटम छोड़ दें। इससे हम हेल्दी भी रहेंगे, दिल भी हमारा तंदुरुस्त रहेगा, स्मार्ट भी रहेंगे। ठीक है, और शुगर की वजह से अगर बच्चे नहीं हो रहे तो ये काबिले इलाज है, कोई इतना अच्छा, मसला काबिले इलाज है, लाइलाज नहीं है, लाइलाज नहीं है। और ख्वातीन में भी शुगर की वजह से एगोवुलेशन सुस्त हो जाती है, प्रीमेच्योरिटी आ जाती है, तो वो ये है कि ट्रीटेबल है। और शुगर को भी कंट्रोल करने के लिए मेडिसिंस हैं हमारे पास, वो हम सेशंस देते हैं अपने पेशेंट्स को, और 10 से 15 साल के लिए शुगर आपकी कंट्रोल रहती है। अच्छा, मैंने एक और चीज़ सुनी है, वो आपसे थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही हूँ। अक्सर जो है ना थायराइड के पेशेंट जो होते हैं तो उसमें कंसीव करने में काफ़ी इशू होते हैं, कहते हैं कि थायराइड लेवल अगर आपका पूरा ना हो तो कंसीव नहीं कर सकते, अगर कर भी लें तो कहते हैं कि उसमें एबनॉर्मलिटी आती है, उसके बारे में थोड़ी सी आपसे मैं मालूम। थायराइड का जो इशू है ना, उसमें मेजोरिटी तो ये होता है कि खवातीन में अगर थायराइड का इशू है तो उनके कंसेप्शन होती ही नहीं है, नहीं होती है। लेकिन अगर 100 में से 8 खवातीन में अगर कंसेप्शन होती भी है तो बच्चे में तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जो खवातीन है वो खुद बहुत सफ़र करती हैं, उनका बीपी बहुत हाई रहता है, शुगर लेवल जैसे हाई हो जाता है दुराने प्रेगनेंसी, तो वो सारे इश्यूज बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं। तो थायराइड्स का ये है कि थायराइड्स के लिए डॉक्टर भी मुख्तलिफ मेडिकेशन के वो होते हैं, लेकिन थायराइड्स का टेस्ट हमारे कंसेप्ट नहीं है हमारे यहाँ के टेस्ट करवाया जाए। मेजोरिटी आप देखेंगे कि कोई भी कपल है या कोई भी लड़की या लड़का या मर्द औरत कोई टेस्ट करवाते हैं तो वो नॉर्मली जाके अपना शुगर का या कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवा लेंगे, थायराइड्स का भी हर 6 महीने पर टेस्ट करवाना चाहिए, ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। तो मैम एक और क्वेश्चन आपसे करना चाह रही थी मैं, मगर हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है इस वक्त ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे बहुत सारी गपशप लगेगी, और उम्मीद रखती हूँ कि आपको भी हमारा प्रोग्राम पसंद आ गएगा। नाजरीन जम द प्रोग्राम टाइम चिदे उस पर ख़त्म दो बांधे दे या उम्मीद लरम चिता सुबह जम का प्रोग्राम डेर खुशी और चिसुक डॉक्टर अफशा खान सरा राबता कुल गाड़ी जमगा चिदे पर स्क्रीन बांधे दागी नंबर लिखे दे पागे दी कॉल की और दे अपॉइंटमेंट वाखली और उम्मीद लरम चिता सुबह जरूर ददी क्लिनिक तक विजिट कर। जी नाजरीन उस माल इजाज़त रखी, खुदा पामान।